हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं क्रोशे से एक मिकी माउस का एप्लिक बनाने जा रही हूँ और इसे मैं एक राखी में यूज करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे किसी भी ड्रेसेस में या स्वेटर्स, बीनीस, ऐसे किसी भी में आप इसे ऐसा डेकोरेटिव पीस यूज कर सकते हैं। आज हम इसे एक राखी में यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो एक बो भी फिट कर सकते हैं या विदाउट द बो प्लेन इस तरह का एप्लिक से इसे बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक और राखी का एक डिजाइन बनाया है। ये मैंने टेडी बेयर से बनाया है। ये ऑलमोस्ट मिकी माउस के एप्लिक से सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक इंग्लिश का भी एक चैनल है, उसमें मैंने इस तरह का एक एप्लिक बनाया था मास्क के लिए। बेसिकली जो फेस मास्क है उसमें रखने के लिए मैंने इस तरह का एप्लिक बनाया था। आप इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 mm का क्रोशे का हुक यूज किया है और नॉर्मल जो लोकल स्टोर्स में मिलता है उस तरह का यार्न यूज किया है। आप चाहे तो इसे एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस से भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो इसे हम पहले एक मैजिक सर्कल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैजिक सर्कल के लिए मैं इस तरह से एक एक्स बनाऊंगी, उसके बाद हुक को लूंगी, इस सर्कल में डाल के ये जो हमारा यार्न है उसको इस तरह से खींच लूंगी। एक बार लिख लीजिए, एक एक्स बनाएंगे, उसके बाद हुक को सर्कल में डाल के इस थ्रेड को हम इस तरह से पुल करेंगे। तो ये बन गया हमारा एक मैजिक सर्कल। अब इसको बनाने के बाद मैं चेन टू डाल दूंगी, इसमें चेन टू, टू चेन स्टिच, एक दो, दो चेन स्टिच डाल दिया। अब ये जो मैजिक सर्कल है इसके अंदर मैं 11 हाफ डबल क्रोशे इस मैजिक सर्कल के अंदर बनाऊंगी। तो हाफ डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर, हुक को डाल के से खींचेंगे, तीन लूप है, इन तीनों लूप में से एक साथ निकालेंगे। तो ये बन गया मेरा पहला हाफ डबल क्रोशे। इस तरह मुझे 11 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो ये मेरा दूसरा हाफ डबल क्रोशे, ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से मैं टोटल 11 हाफ डबल क्रोशे इस मैजिक सर्कल में बनाती हूँ। सो प्लीज मेक 11 हाफ डबल क्रोशे इन योर मैजिक सर्कल। मैं थोड़ा बनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए, हाँ, मैंने 11 हाफ डबल क्रोशे इस मैजिक सर्कल में बना दिया है। अब मैं इसको थोड़ा पुल कर लूंगी ताकि ये छोटा हो जाए, और जो चेन टू है उसमें जो ऊपर का सेकेंड चेन है उसमें इसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लूंगी। तो अगर मैं चेन टू को एक हाफ डबल क्रोशे काउंट करूं तो यहाँ मेरे पास टोटल 12 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। अब हम सेकेंड राउंड की ओर जाएंगे, उसमें मैं चेन टू से स्टार्ट कर लूंगी, 1 2। उसके बाद क्या करना है, हर एक स्टिच में आपको दो डबल क्रोशे बनाना है। सो प्लीज मेक 2 डबल क्रोशे इन एवरी स्टिच। तो ये डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर, इसमें आ जाइए पहले स्टिच में और दो डबल क्रोशे बनाइए, ये एक। सेम इसी स्टिच में आपको एक और डबल क्रोशे बनाना है, तो ये दो डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे एक स्टिच में जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, फिर से दो डबल क्रोशे बनाइए, 1 2। इस तरह से हर एक स्टिच में आपको दो डबल क्रोशे बनाना है। ये मेरा नेक्स्ट स्टिच है, इसमें दो डबल क्रोशे जाएगा, एक और दो। तो इस तरह से मैं इस राउंड को भी थोड़ा फिनिश करूंगी। सो प्लीज पुट 2 डबल क्रोशे इन एवरी स्टिच। तो यहां मैंने सेकेंड राउंड फिनिश कर दिया है और इसे फिनिश करने पर मुझे 24 स्टिचेस पड़े हैं, 24 डबल क्रोशे। आप इसको फिनिश करने के लिए आपको जो फर्स्ट डबल क्रोशे आपने डाला है, चेन टू नहीं बट जो पहला डबल क्रोशे डाला है उसमें आपको जाके एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, स्लिप स्टिच इनटू द फर्स्ट डबल क्रोशे। तो ये ऑलमोस्ट फेस हो गया है। अब हम उसका कान बनाएंगे, ईयर्स बनाएंगे। तो आप यहाँ स्लिप स्टिच हो गया है, जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें आ जाइए और आपको 9 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में डालना है। यहाँ ये स्लिप स्टिच हो गया है, नेक्स्ट स्टिच में 9 डबल क्रोशे, 9 डबल क्रोशे हम इस स्टिच में डाल देंगे। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशे, इसी में आपको डालना है ये सेकेंड डबल क्रोशे। सो प्लीज मेक 9 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच। सो 3 4 5 6
सेवन एट सॉरी यहीं पर आपको डालना है, ये बन गया एट और एक और डाल दीजिए नाइन, तो नौ डबल क्रोशे एक स्टिच में गया है। यहाँ हमने नाइन डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब क्या करना है, जहां हमने जिस स्टिच में डाला था उसमें ही आपको जाके एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरीके से। स्लिप स्टिच इनटू द सेम स्टिच आफ्टर मेकिंग नाइन डबल क्रोशे, इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्री स्टिचेस है उसमें आप एक एक स्लिप स्टिच लगा लीजिए। तो नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, एक स्लिप स्टिच लगा दीजिए, ये हमारा पहला स्लिप स्टिच हो गया, ये दूसरा, एक और, ये हमारा तीसरा स्लिप स्टिच हो गया। तो हमने तीन स्लिप स्टिच इस तरह से बना दिए हैं। अब जो चौथा है उसमें आपको फिर से नाइन डबल क्रोशे बनाना है। सो इन द फोर्थ स्टिच मेक नाइन डबल क्रोशे अगेन। तो ये एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और एक लास्ट, ये मेरा नाइन्थ डबल क्रोशे है। और इसी स्टिच में आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है, स्लिप स्टिच इनटू द सेम स्टिच टू फिनिश इट ऑफ, इस तरीके से। अब हम इसको थोड़ा कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो ये है इसका हेड, तो आप इसको कट कर लीजिए और साथ ही में जो भी लूज एंड्स है आप इसको स्टिच कर सकते हैं। मैं उसको पूरा कंप्लीट करती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने यार्न को सब कट करके पूरा छिपा दिया है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप चाहते हैं इसमें इस तरह का एक बो बनाना तो वो देखेंगे। आप इसको जस्ट प्लेन ऐसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो विथ अ बो भी आप इसे बना सकते हैं। तो बनाते हैं, तो उसके लिए फिर से हम स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट कर लेंगे और फिर आपको चेन फोर बनाना है, फोर चेन स्टिचेस। तो बना देते हैं वन टू थ्री फोर। अब आपको जो पहला स्टिच है उसमें आना है और एक स्लिप स्टिच करना है, स्लिप स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच इस तरह से, और आपको यहाँ एक छोटा सा एक सर्कल की तरह मिल जाएगा। अब आपको चेन थ्री बनाना है, वन टू थ्री, उसके बाद आप यहाँ दो डबल क्रोशे डाल दीजिए। इस सर्कल में हमें दो डबल क्रोशे डालना है, उसके लिए यार्न ओवर सर्कल के बीचों बीच आ जाइए और फिर हम दो डबल क्रोशे डाल देंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे, सेम यहीं पर एक और डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे यू हैव टू पुट इन द सर्कल। उसके बाद फिर से आपको तीन चेन स्टिचेस बनाने हैं, थ्री चेन स्टिच, वन टू थ्री, सर्कल के अंदर जाइए और एक स्लिप स्टिच कीजिए, स्लिप स्टिच इनटू द सर्कल इस तरह से। तो ये हमारे बो का एक साइड हो गया है। अब सेम हम रिपीट कर लेंगे, फिर से हम चेन थ्री बनाएंगे, अगेन मेक अ चेन थ्री, वन टू थ्री, उसके बाद दो डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, वन और टू, और उसके बाद फिर से तीन चेन स्टिच, अगेन थ्री चेन स्टिच, वन टू थ्री। आपको इस सर्कल में जाना है और फिर स्लिप स्टिच करना है, बस हो गया। देखिए इतना ही है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा लंबाई में इसको कट कर लूँगी, ठीक है। आई जस्ट कट दिस यार्न ऑफ। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने ये धागा छोड़ा था उसको आपको इसमें टाई करना है। तो देखिए सेंटर में आपको दो तीन बार इसको इस तरह से घुमाना है ताकि ये बो का सेंटर हो जाए।
चाहे तो आप ये जो नेक्स्ट यान है उससे भी आप इसे इस तरह से करके यहां आ जाइए और एक गांठ बांध दीजिए। एक और बार डाल देते हैं ताकि निकले ना। देखिए ये बन गया हमारा एक प्यारा सा बो। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ऐसे एक एप्लिक बना के साइड में या जो सेंटर है वहां आप इसे फिट कर सकते हैं। अब जैसे कहा था इसे आप किसी भी ड्रेसेस में यूज कर सकते हैं, स्वेटर में, कैप में, सब। अगर आपको वो नहीं चाहिए, आप जैसे राखी बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल आप डोरी ले लीजिए। मैंने एक डोरी का डिज़ाइन पहले ही किया था। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक चेन स्टिच बना सकते हैं जितना लंबाई में चाहिए। थोड़ा दिखा देती हूँ। या मैंने पिछली वीडियो में एक और डिज़ाइन किया था कैसे आप डोरी बना सकते हैं एक मोती लगा के, मगर इसमें मैं मोती नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं बस एप्लिक ही दिखाना चाहती थी। अगर आप मोती डालना चाहते हैं तो उस तरह से आप मोती भी लगा सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस टाइप से आप एक डोरी बना सकते हैं, नहीं तो पिरो केक बना सकते हैं, उसका भी मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ा चेन स्टिच बना दिया है। आपको जितना लंबा चाहिए उस हिसाब से आपको चेन स्टिचेस बनाने हैं। उसके बाद आप ये जो एप्लिक है उसको इस तरह से यहाँ आपको स्टिच करना होगा। आप इस तरह से रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं और स्टिच कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो जैसे कहा था दो तीन ऑप्शंस मैंने पहले भी बनाए हैं, उस तरह का आप डोरी भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का राखी का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।